आज की क्लास में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन 5 मेन एरियाज। फर्स्ट, जनरेटिव डिज़ाइन। मैन्युफैक्चरर कैन आल्सो मेक यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द डिज़ाइन फेज विद अ क्लियरली डिफाइंड डिज़ाइन ब्रीफ एज इनपुट। Designers and engineers can make use of an AI algorithm, generally referred to as generative design software, to explore all the possible configurations of a solution. Manufacturer design phase में AI का उपयोग भी कर सकते हैं। Designer और engineer एक AI algorithm का उपयोग कर सकते हैं, जिसे आमतौर पर एक solution के सभी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस का पता लगाने के लिए जनरेटिव डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के रूप में रेफर किया जाता है। द ब्रीफ कैन इंक्लूड रिस्ट्रिक्शंस एंड डेफिनेशन फॉर मटेरियल टाइप्स, प्रोडक्शन मेथड्स, टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड बजट लिमिटेशंस। द सेट ऑफ सॉल्यूशन जनरेटेड बाय द एल्गोरिथम कैन देन बी टेस्टेड यूजिंग मशीन लर्निंग। द टेस्टिंग फेज प्रूफ provides additional information about which ideas, design, decision worked and which did not. In this way, additional improvements can be made until an optimal solution is found. Brief mein, material type, production method, samay ki kami aur budget limitation ke liye pratibandh aur paribhashaein yani definitions shamil ho sakti hain. प्रस्तावित समाधानों को तब मशीन लर्निंग का उपयोग करके टेस्ट किया जा सकता है, जो अतिरिक्त गहरी पहुंच प्रदान करता है कि कौन से डिज़ाइन सबसे अच्छे हैं। एक सर्वोत्तम डिज़ाइन सॉल्यूशन तक पहुंचने तक प्रक्रिया को दोहराया भी जा सकता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। AI enabled tool can foretell when the equipment is expected for maintenance by means of embedding sensor in manufacturing equipment. AI can capture data like energy consumptions of individual machines, study maintenance cycle, scan for the possibility of a defect and then optimize them in the following stage. As the volume of data increases, the system improves at perfecting itself and makes more precise predictions. MC McKinsey reports that AI-driven prediction maintenance can increase assets productivity by up to 20% and reduce maintenance charges up to 10%. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रख रखाव करने के बजाय भविष्य कहने वाले रख रखाव संपत्ति की खराबी के बारे में पूर्वानुमान तैयार करने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के रूप में उन्नत AI एल्गोरिथम का उपयोग करता है। इसके बाद वह कर्मियों को फेलियर से रोकने के लिए फोकस्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर को करने के लिए सचेत करता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कि आवश्यक रूप से समय बर्बाद कर सके। जैसे जैसे डेटा की मात्रा बढ़ती है, सिस्टम खुद को परफेक्ट करने में सुधार करता है और अधिक सटीक प्रिडिक्शंस करता है। मैकिनले की रिपोर्ट है कि AI संचालित प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस संपत्ति उत्पादकता या प्रोडक्शन को 20% तक बढ़ा सकता है और मेंटेनेंस शुल्क को 10% तक कम कर सकता है। Market adaption supply chain. To construct estimations of market demand, an algorithm can take into account demand patterns categorized by date, location, socioeconomic attributes, microeconomic behavior, political status, weather patterns, and more. This is groundbreaking for manufacturers who can use this information to optimize inventory control, staffing, energy consumption, raw material and make better financial decisions regarding the company's strategy. इसमें बाजार की मांग के अनुमानों के निर्माण के लिए हम डेट, प्लेस, सामाजिक आर्थिक विशेषताओं, माइक्रो
आर्थिक व्यवहार, राजनीतिक स्थिति, मौसम के पैटर्न्स आदि द्वारा वर्गीकृत एक एल्गोरिथम अकाउंट डिमांड पैटर्न्स का उपयोग कर सकते हैं। यह जानकारी मैन्युफैक्चरर के लिए इनवैल्यूएबल है क्योंकि यह उन्हें स्टाफिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, एनर्जी की खपत और कच्चे माल की आपूर्ति का अनुकूल करने की अनुमति देता है। ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स IFR, एज द ईयर ऑफ 2020, एन एस्टिमेटेड 1.64 मिलियन इंडस्ट्रीज रोबोट वर इन ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड एज द अडॉप्शन ऑफ रोबोटिक्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीजेस। AI will play a major part in ensuring the safety of human personnel as well as giving robots more responsibility to make decisions that can further optimize process based on real-time data collected from the production floor. IFR, International Federation of Robotics के अनुसार दुनिया भर में factories में 1.64 million industries robot काम करेंगे। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग में रोबोटिक्स को अपनाना बढ़ेगा, AI मानवीय कमियों को कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ रोबोट को डिसीजन लेने के लिए अधिक जिम्मेदारी देने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी इज द मेंटेनेंस ऑफ अ डिजायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी इन अ सर्विस और प्रोडक्ट। Assembly lines are data-driven, interconnected and autonomous network. These assembly lines worked based on a set of parameters and algorithm that provide guidelines to produce the best possible end products. AI systems can detect the difference from the usual outputs by using machine vision technology. Since most defects are visible when an end product is lower quality than expected, AI system trigger an alert to user so that they can react to make adjustments. यह मैन्युफैक्चरर के क्षेत्र में अपने प्रोडक्ट्स के उपयोग और परफॉर्मेंस के बारे में डेटा कलेक्ट करके अपने आउटपुट की क्वालिटी में लगातार सुधार करने में सक्षम बनाता है। यह जानकारी टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक इंजीनियरिंग डिसीजन लेने में प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के लिए पावरफुल हो सकती है। एप्लीकेशंस ऑफ AI। AI हैज बीन डोमिनेंट इन वेरियस फील्ड सच एज गेमिंग। AI प्ले क्रूशियल रोल इन स्ट्रैटेजिक गेम सच एज चेस, पोकर, टिक टैक टू एक्सेट्रा, वेयर मशीन कैन थिंक ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल पोजिशन बेस्ड ऑन heuristic नॉलेज। AI स्ट्रैटेजिक गेम जैसे चेस, पोकर, टिकटॉक टो एक्सेट्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां मशीन बड़ी संख्या में पॉसिबल पोजिशंस के बारे में सोच सकती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इट इज़ अ पॉसिबल टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर दैट अंडरस्टैंड्स नेचुरल लैंग्वेज स्पोकन बाय ह्यूमन। नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब एरिया है जिसके माध्यम से कंप्यूटर ह्यूमन की लैंग्वेज को समझते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल एक्सेट्रा लैंग्वेजेस को। नेशनल प्रोसेसिंग लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फील्ड है। बिना नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के AI रोबोट्स हमारी भाषा को नहीं समझ पाएंगे और हम उन्हें कोई कार्य करने के लिए इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे। आज लगभग हर मोबाइल यूज़र नेशनल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। हम लोग गूगल असिस्टेंट, आईफोन को इस्तेमाल करने में, सीरी का कंप्यूटर में पबजी फॉर PC का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से ही संभव हो पाया है। नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम लोगों की मदद करता है कि हम लोग डायरेक्ट अपनी भाषा में कंप्यूटर से बात कर सकें। Expert system. There are some applications which integrate machines, software and special information to impart reasoning and advising. They provide explanation and advice to the users. Expert system bhi AI artificial intelligence ka ek application hai.
एक्सपर्ट सिस्टम मूल रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव विशेषज्ञ के डिसीजन लेने की क्षमता के समान ही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। ये इसके लिए डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। इनका यूज़ किसी कॉम्प्लेक्स समस्या को सुलझाने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ मेडिकल के क्षेत्र में भी किया जाता है। विजन सिस्टम, दिस सिस्टम अंडरस्टैंड इंटरप्रेट एंड कॉम्प्रीहेंड विजुअल इनपुट ऑन द कंप्यूटर। ये सिस्टम कंप्यूटर पर विजुअल इनपुट्स को समझते हैं, इंटरप्रेट यानी व्याख्या करते हैं और समझते हैं। उदाहरण के लिए, आई स्पेइंग एरोप्लेन टेक्स फोटोग्राफ विच आर यूज टू फिगर आउट स्पार्शियल इंफॉर्मेशन और मैप ऑफ द एरियाज। डॉक्टर्स यूज क्लिनिकल एक्सपर्ट सिस्टम टू डायग्नोज द पेशेंट्स। जासूसी करने वाला हवाई जहाज तस्वीरें लेता है जिसका उपयोग स्थानीय जानकारी या क्षेत्रों के मानचित्र यानी मैप्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। डॉक्टर्स पेशेंट का डायग्नोज करने के लिए क्लिनिकल एक्सपर्ट सिस्टम का उपयोग करते हैं। पुलिस कैन पुलिस यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कैन रिकग्नाइज द फेस ऑफ क्रिमिनल विच द विद द स्टोर्ड पोर्ट्रेट मेड बाय फॉरेंसिक आर्टिस्ट। पुलिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो फॉरेंसिक आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए स्टोर्ड पोर्ट्रेट के साथ अपराधी के चेहरे को पहचान सकता है। स्पीच रिकॉग्निशन, सम इंटेलिजेंट सिस्टम आर केपेबल ऑफ हियरिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग द लैंग्वेज इन टर्म ऑफ सेंटेंस एंड दे आर मीनिंग वाइल अ ह्यूमन टॉक टू इट। इट कैन हैंडल डिफरेंट एसेंस स्लैंग वर्ड्स नॉइज इन द बैकग्राउंड चेंज इन ह्यूमन्स नॉइज ड्यू टू कोल्ड एक्सेट्रा। इसे वॉइस रिकग्निशन भी कहा जाता है। ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो एक हार्डवेयर डिवाइस भी है जिसमें ह्यूमन वॉइस को समझने की काबिलियत होती है। स्पीच रिकग्निशन एक टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन द्वारा बोले गए वर्ड्स को इनपुट के जैसे लेता है और उन वर्ड्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसे समझ के उसके ऊपर एक्शन लेता है। हैंड राइटिंग रिकग्निशन, द हैंड राइटिंग रिकग्निशन सॉफ्टवेयर नीड्स द टेक्स्ट रिटन ऑन पेपर बाय अ पेन और ऑन स्क्रीन बाय स्टाइलस। इट कैन रिकग्नाइज द शेप ऑफ द लेटर एंड कन्वर्ट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। हैंड राइटिंग रिकग्निशन सॉफ्टवेयर एक पेन द्वारा या एक स्टाइलस द्वारा स्क्रीन पर कागज पर लिखे गए टेक्स्ट को पढ़ता है। यह अक्षरों के आकार को पहचान सकता है और इसे एडिटेबल योग्य टेक्स्ट में बदल सकता है। इंटेलिजेंट रोबोट्स, रोबोट्स आर एबल टू परफॉर्म द टास्क गिवन बाय ह्यूमंस। दे हैव सेंसर टू डिटेक्ट फिजिकल डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड सच एज लाइट, हीट, टेम्परेचर, मूवमेंट, साउंड, बम्प एंड प्रेशर। दे हैव efficient processors, multiple sensors and huge memory to exhibit intelligence. In addition, they are capable of learning from their mistakes and they can adapt to new environment. Robot human द्वारा दिए गए task को perform करने में सक्षम है। Robot अपनी गलतियों से सीखने में सक्षम है और वे नए वातावरण को भी अनुकूलित कर सकते हैं और मानव द्वारा दिए गए कार्यों को करने में सक्षम है। उनके पास वास्तविक दुनिया के लाइट, हीट, टेम्परेचर, स्पीड, साउंड, बम एंड प्रेशर जैसे डिजिटल जैसे फिजिकल डेटा का पता लगाने के लिए सेंसर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनैलिटीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज और फंक्शनैलिटीज के बेस पर डिवाइड किए गए हैं। There are three types of artificial intelligence based on capabilities. Capabilities के basis पे artificial intelligence three types की है। Narrow intelligence, general artificial intelligence and super artificial intelligence. Under functionalities, we have four types of artificial intelligence. और functionalities के basis पे four types की artificial intelligence है। Reactive machine, limited theory, theory of mind, self-awareness. सबसे पहले है नैरो एआई यानी नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नैरो एआई आल्सो कॉल्ड एज वीक एआई फोकसेस ऑन द नैरो टास्क कैन एंड कैन नॉट परफॉर्म बियॉन्ड इट्स लिमिटेशंस। इट टारगेट्स अ सिंगल सबसेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी एंड एडवांसेस इन द स्पेक्ट्रम।
Narrow AI applications are becoming increasingly common in our day-to-day lives as machine learning and deep learning methods continue to develop. Narrow AI को weak AI भी कहते हैं, जिसमें मशीन को किसी कार्य विशेष के लिए परफॉर्म प्रोग्राम किया जाता है और मशीन सिर्फ उतना ही कार्य करेगी या मशीन का उतना ही कार्य क्षेत्र होगा जितने के लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। एग्जाम्पल के लिए आप कंप्यूटर गेम के कैरेक्टर्स को ही ले लीजिए, जिसका कार्य सिर्फ उस बनाए हुए गेम में ही सीमित होता है, यानी वह उससे अधिक करने में सक्षम नहीं होता, जैसे कि चेस का गेम जो सिर्फ एक कार्य के लिए ही तैयार किया गया है। एप्पल शेरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नैरो एआई दैट ऑपरेट विद अ लिमिटेड प्रीडिफाइंड रेंज ऑफ फंक्शंस। शेरी ऑफन हैज प्रॉब्लम्स विद टास्क आउटसाइड इट्स ब्रेथ ऑफ एबिलिटीज। नैरो आई का एक एग्जाम्पल आपका एप्पल शेरी है। IBM Watson supercomputer is an another example of narrow AI. It applies cognitive computing, machine learning and natural language processing to process information and answer your query. IBM Watson once outperformed human contestants Ken Jennings to become the champion on the popular game show Jeopardy. IBM का Watson सुपरकंप्यूटर भी नैरो एआई के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह मशीन लर्निंग और नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग के साथ संयुक्त एक विशेषज्ञ प्रणाली दृष्टिकोण का उपयोग करता है। अदर एग्जांपल ऑफ नैरो एआई इंक्लूड गूगल ट्रांसलेट, इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, रिकमेंडेशन सिस्टम, स्पैम फिल्टरिंग एंड गूगल्स पेज रैंकिंग एल्गोरिथम। यानी हमारे नैरो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये कुछ अदर एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेट है, इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, रिकमेंडेशन सिस्टम है, स्पैम फिल्टरिंग है। जनरल एआई, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग एआई कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट अ ह्यूमन बींग कैन। इट अलाउ अ मशीन टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। Artificial intelligence researchers have not been able to achieve a strong artificial intelligence so far. They would need to find a method to make machine conscious, programming a full cognitive ability set. General artificial intelligence has received a $1 billion investment from Microsoft through OpenAI. जनरल एआई को स्ट्रॉन्ग एआई या ट्रू इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसमें मशीन को इतना पावरफुल बना दिया है कि वह इंसान की तरह सोच सके, प्लान कर सके, डिसीजन ले सके और कार्य कर सके। यह मशीन कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज और स्किल को लागू करने की अनुमति देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर्स अब तक एक स्ट्रॉन्ग एआई हासिल नहीं कर पाए हैं। उन्हें एक फुल कॉग्निटिव एबिलिटी सेट की प्रोग्रामिंग करते हुए मशीनों को जागरूक बनाने के लिए एक मेथड फाइंड करने की आवश्यकता होगी। ओपन एआई के माध्यम से जनरल एआई को माइक्रोसॉफ्ट से $1 billion का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। सुपर एआई, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड कैन परफॉर्म एनी टास्क बेटर देन अ ह्यूमन। The concept of artificial intelligence, super intelligence, sees AI involved to be akin to human sentiments and experiences, that it doesn't merely understand them, it also evokes emotions, needs, beliefs and desires of its own. Its existence is still hypothetical. Some of the critical characteristics of super AI include solving puzzles, making judgment and decision on its own. हम यहाँ लगभग साइंस फिक्शन टेरिटरी में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ASI यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से लॉजिकल प्रोग्रेस के रूप में देखा जाता है। एक आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस सिस्टम भी ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को पार करने में सक्षम होगा। इसमें डिसीजन लेने, लॉजिकल डिसीजन और यहाँ तक कि बेटर आर्ट और इमोशनल रिलेशनशिप्स बनाने जैसी चीज़ें भी शामिल होंगी। रिएक्टिव मशीन AI, रिएक्टिव मशीन आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ AI सिस्टम। दिस मीन्स दैट दे कैन नॉट फॉर्म मेमोरीज यू और यूज पास्ट एक्सपीरियंसेस टू इन्फ्लुएंस प्रेजेंट मेड डिसीजन।
They can only react to currently existing situations, hence reactive. An existing form of a reactive machine is Deep Blue, a chess-playing supercomputer created by IBM in the mid-1980s. इस प्रकार के AI में ऐसी मशीनें शामिल होती हैं जो केवल वर्तमान डेटा पर आधारित होती हैं, केवल वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रियाशील AI मशीनें अपने भविष्य के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए डेटा से इंफॉर्मेशन नहीं बना सकती हैं। वे प्री डिफाइंड टास्क की एक नैरो रेंज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है डीप ब्लू, जो कि एक IBM चेस प्रोग्राम है और जिसने गैरी कास्परोफ को 1990s में हराया था। डीप ब्लू को कुछ इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि ये चेस बोर्ड के पीस को आइडेंटिफाई कर सकता है और अपने हिसाब से प्रेडिक्शन कर सकता है, लेकिन इसकी अपनी कुछ मेमोरी नहीं है जिससे ये अपने पास्ट मूव्स के बारे में याद नहीं रख सकता और जो कि ये फ्यूचर में इस्तेमाल कर सके। ये पॉसिबल मूव्स को एनालाइज करता है, इसके खुद की और इसके ओपोनेंट की, और या फिर उस हिसाब से सबसे बेहतर स्ट्रैटेजिक मूव को चुनता है। डीप ब्लू और गूगल अल्फागो को नैरो पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे आसानी से दूसरे सिचुएशंस में अप्लाई नहीं किया जा सकता। लिमिटेड मेमोरी AI। लिमिटेड मेमोरी इज कंप्राइज्ड ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स दैट डेराइव नॉलेज एंड प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन, स्टोर डेटा और इवेंट्स। अनलाइक रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी लर्न फ्रॉम द पास्ट बाय ऑब्जर्विंग एक्शंस और डेटा फेड टू देम इन ऑर्डर टू बिल्ड एक्सपेरिमेंशियल नॉलेज। Autonomous vehicle or self-driving car use a principle of limited memory in that they depend on a combination of observational and pre-programmed knowledge. To observe and understand how to properly drive and function among human-dependent vehicle, self-driving car read their environment, detect patterns or change in external factors and adjust as necessary. लिमिटेड थ्योरी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लिमिटेड मेमोरी अपनी मेमोरी से पिछले डेटा का अध्ययन करके सूचित करके और बेहतर डिसीजन ले सकता है। इस तरह के AI में एक शॉर्ट लिफ्ट या एक टेम्पररी मेमोरी होती है जिसका उपयोग पिछले एक्सपीरियंसेस को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है और इसलिए भविष्य के कार्यों का मूल्यांकन कर सकता है। इस प्रकार के AI सिस्टम्स अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल कर अपने फ्यूचर डिसीजंस को तय करते हैं। कुछ डिसीजंस मेकिंग फंक्शंस को जो कि ऑटोनोमस व्हीकल में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें इसी प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है। ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल कर भविष्य में होने वाले हादसों को कुछ हद तक रोका जा सकता है, जैसे कि कार को दूसरे लेन में चेंज करना। ये ऑब्जर्वेशनल परमानेंटली स्टोर नहीं होते, ये ऑब्जर्वेशंस परमानेंटली स्टोर नहीं होते। थ्योरी ऑफ माइंड AI रिप्रेजेंट्स एन एडवांस क्लास ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्जिस्ट ओनली एज अ कॉन्सेप्ट। सच अ काइंड ऑफ AI रिक्वायर अ थ्रो अंडरस्टैंडिंग दैट द पीपल एंड थिंग्स विद इन एन एनवायरमेंट कैन ऑल्टर फीलिंग्स एंड बिहेवियर। It should understand people's emotions, sentiments, and thoughts. Even though many improvements are there in this field, this kind of AI is not fully complete yet. One real world example of the theory of mind AI is Kismet. Kismet is a robot head made in the late 90s by a made theory of mind AI is Kismet. Kismet is a robot. Robot head in the late 90s by a Massachusetts Institute of Technology researcher. Kismet can mimic human emotions and recognize them. Both abilities are key advancement in theory of mind AI. But Kismet can't follow gazes or convey attention but to human. ये एक psychological term है, ये एक hypothetical concept है। इसमें ये दर्शाता है कि दूसरों को अपना बिलीफ, डिज़ायर एंड इंटेंशन होता है जो कि उनके डिसीजंस में इम्पैक्ट डालते हैं। माइंड AI का कॉन्सेप्ट एक अधिक एडवांस प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
मशीनों की यह कैटेगरी साइकोलॉजी में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए अनुमानित है। इस प्रकार के एआई मुख्य रूप से इमोशनल इंटेलिजेंस पर फोकस होगा ताकि मानव का विश्वास और विचार बेहतर तरीके से समझा जा सके। माइंड एआई कॉन्सेप्ट का एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल किस्मत है। किस्मत 90s में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर द्वारा बनाया गया एक रोबोट हेड है। किस्मत ह्यूमन इमोशंस की नकल कर सकती है और उन्हें पहचान भी सकता है। सेल्फ अवेयर एआई। सेल्फ अवेयरनेस एआई ओनली एग्जिस्ट हाइपोथेटिकली सच सिस्टम अंडरस्टैंड देयर इंटरनल ट्रेट्स स्टेट एंड कंडीशंस एंड परसीव ह्यूमन इमोशंस। These machines will be smarter than the human mind. This type of artificial intelligence will not only be able to understand and evoke emotions in those to interact with, but also have emotion needs and belief of its own. इस कैटेगरी के अंतर्गत AI सिस्टम की खुद की सेल्फ अवेयरनेस होती है, अपनी एक कॉन्शियसनेस होती है। ऐसे सिस्टम अपने इंटरनल ट्रेट स्टेट और कंडीशन को समझती हैं। ये मशीनें ह्यूमन माइंड से भी ज़्यादा स्मार्ट होंगी। इस प्रकार का AI न केवल उन लोगों की भावनाओं को समझने और विकसित करने में सक्षम होगा जिनके साथ यह बातचीत करता है, बल्कि इसके अपने इमोशंस नीड्स और बिलीव्स भी हैं। तो ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था।